नमस्कार, मैं मनीषा और स्वागत करती हूँ कंचन टीवी पर। तो जैसे कि आप सभी को पता है, कोरोना काल चला हुआ है और कोरोना काल के को देखते ही आज सफीदो नहर पुल पर कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे कुछ टेस्ट किए जा रहे हैं, टेस्टिंग की जा रही है, इसका क्या कुछ मकसद है। इसका मकसद ये है कि मतलब कि जो COVID-19 के मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव केस कितने आते हैं जी। कि मतलब कितना फैला हुआ है, ये रेशियो देखने के लिए टेस्टिंग की जा रही है जी। तो जैसे सर पुलिस प्रशासन भी आपके साथ है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? डॉक्टर संदीप। डॉक्टर संदीप, सर जानना चाहेंगे आज कोरोना के टेस्ट यहाँ पर चले हुए हैं, क्या कुछ कारण है इसका? इसमें जैसे आजकल ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं कि इसके रैंडम सैंपलिंग चल रही है, ये शहर में कभी कभी हम आज यहाँ ले रहे हैं, कहीं कहीं गाँव में रोज हमारी टीम में जाती है, रैंडम सैंपलिंग लेती है। तो सर आज आप जो कोरोना टेस्ट कर रहे हो, आज ही किया है, पहले भी किया है? ये बहुत टाइम से 10-15 दिन से शहर में रैंडम सैंपलिंग चल रही है इसकी लगभग। तो सर अब तक कितने टेस्ट आप कर चुके हैं? डेली हमारे लगभग 200 टेस्ट डेली होते हैं, सैंपल लिए जाते हैं डेली। तो सर जैसे जानना चाहेंगे कोरोना की जो रिपोर्ट है वो साथ में देते हो या फिर? साथ में नहीं आती है, RT-PCR टेस्ट होती है उसकी, दूसरी या दो से तीन दिन में रिपोर्ट आती है इसकी। दो से तीन दिन में। सर जानना चाहेंगे कि कितने पॉजिटिव अभी तक केस आए? टोटल पॉजिटिव केस तो देखो नोडल अधिकारी इसकी जानकारी दे सकते हैं पूरी, क्योंकि संख्या हमें पता नहीं है इस चीज़ की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं, इसमें क्या कुछ कारण है? केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, इसीलिए कर रहे हैं सैंपलिंग। सैंपलिंग की जा रही है। तो मैम जानना चाहेंगे कि अब तक कितने केसेस आ चुके? केसेस में तो बढ़ोतरी हो रही है दिन प्रतिदिन, बढ़ोतरी हो रही है। हाँ जी। आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहोगे? पब्लिक को यही संदेश देंगे, प्रिकॉशन बरतो, मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो और दूरी बनाए रखो 2 गज। सर आज कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं, क्या कुछ मकसद है? जी ये कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो अचानक पैदा हो जाती है और कुछ ही मिनटों में इंसान ख़त्म हो जाता है। इसके बचाव के लिए हम टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि पब्लिक बीमार ना हो। जो आदमी बिना मास्क के चलते हैं उनका पहले टेस्ट होता है, और जो मास्क लगा के चलते टेस्ट तो हर इंसान का करते हैं ताकि बीमारी का पता लग जाए, भाई कितनी बीमारी फैल चुकी है, कितना आराम हो चुका है। मैं होमगार्ड का जवान हूँ और आपकी सेवा में हमेशा आगे रहते हैं। हम सर जानना चाहेंगे कि जो रिपोर्टिंग है वो साथ के साथ देखते हुए बात? जी रिपोर्टिंग तो ये डॉक्टर साहब बताएंगे, वैसे तो 3 दिन में कह रहे हैं, बाकी डॉक्टर साहब ने पता है भाई कब देंगे कब नहीं देंगे। हमारा फर्ज है सिर्फ ड्यूटी सिक्योरिटी, भाई प्रेम प्यार से सबको बोलो और जिसका टेस्ट नहीं है उसका टेस्ट कराओ। हम तो रिक्वेस्ट करके प्रार्थना करके टेस्ट कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।